नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मंत्री महोदय स्कूली बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन करने के लिए बैठ गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने सब्जी की बाटी में आलू लेने के लिए चमचा घुमाया तो चमचा बिना आलू लिए ही वापस आ गया। मंत्री लगातार आलू की बाल्टी में से आलू निकालने का प्रयास करते रहे, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद मंत्री ने चुपचाप भोजन करना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने मौके पर से जिला पंचायत सीईओ को मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर निर्देश भी दिए। दरअसल मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बारिश की वजह से हुए जलभराव का जायजा लेने के लिए डीआरपी लाइन में पहुंचे थे। यहां ऊर्जा मंत्री पीएम श्री स्कूल में पहुंच गए। जिस वक्त मंत्री स्कूल में पहुंचे उस वक्त बच्चों को मिड डे मील दिया जा रहा था। ये देखकर मंत्री भी भोजन करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ गए। मंत्री महोदय को थाली परोसी गई, सामने आलू की सब्जी की बाल्टी भी रख दी गई। मंत्री ने जैसे ही सब्जी की बाल्टी में चमचा डालकर आलू लेने का प्रयास किया तो उन्हें बाल्टी में कहीं आलू नजर नहीं आए। मंत्री जी बार बार प्रयास करते रहे, लेकिन आलू की सब्जी में से आलू नहीं खोज सके। इसके बाद मंत्री ने रोटी ली और खाना शुरू कर दिया। इसके बाद ही जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार को फोन भी लगवाया गया। खाना खाते हुए ऊर्जा मंत्री ने जिला पंचायत सीईओ से बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए और फिर ऊर्जा मंत्री वहां से निकल गए। वहीं इस मामले में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने तो इस बारे में मीडिया के कैमरे के सामने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार ने बातचीत करते हुए इस बात को स्वीकार किया कि ऊर्जा मंत्री शहर की डीआरपी लाइन में पीएम श्री स्कूल में पहुंचे थे और यहां उन्होंने फोन लगाकर मिड डे मील की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए थे। सीईओ विवेक कुमार ने बताया कि उनकी मंत्री से दो बार बात हुई थी। मंत्री ने दाल की गुणवत्ता सही करने की बात कही थी।